साथियों, आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो बहुत लोग, अगर मैं घर पे जाता हूँ एसी सर्विस करने के लिए या एसी इंस्टॉलेशन करने के लिए, एसी को गैस चार्जिंग करने के लिए या ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके लिए भी जाता हूँ, तो सब लोगों के मन में ये सवाल होता है, भैया थोड़ा सा रिमोट का सिस्टम समझा देना। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है, यानी जिनको अगर इसमें 10-15 बटन होते हैं, 6 बटन होते हैं, 7 बटन, जितने भी बटन वाले रिमोट होते हैं ना, तो एक ना एक बटन ऐसे होते हैं जो उनको समझ में नहीं आता, बोलते भैया इसके बारे में बता देना। तो मैं आज सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, जैसे कि टर्बो बटन। जैसे कि हाँ, देखिए मैडम जी बताएं कि जैसे कि टर्बो बटन कि उसका क्या काम होता है, उसके बारे में अगर पूछ बैठे किसी ने। एक होता है इसमें सुपर पावर, उसका क्या काम होता है। एक होता है इसमें मैं आपको बताता हूँ, नाम याद नहीं आ रहा, स्लीप मोड, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। और जैसे कि इको, उसका मतलब क्या होता है। ये सब चीज अगर आप समझेंगे तो आपको है ना ज्यादा उलझन पैदा होगी। तो सिंपल सा चीज मैं आपको आज बता देता हूँ जिससे आपको एसी चलाने में बहुत ही आसान हो जाएगा और आप कोई भी रिमोट को एक जैसे एक नजरिए से देख पाएंगे, जिसमें मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज करके बताऊंगा आपको। थोड़ा सा पास में आ जाए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ज्यादा अच्छी तरह से दिखे। मैं एक एक बटन, ये है कौन सा एसी, ये है गोदरेज का एसी जो आपका अगर आउटडोर सही है, अगर इनडोर खराब हो जाए तो ये एसी ऊपर से लगा हुआ है, ठीक है, जो पावर कूल के नाम से आती है, ठीक है। तो ये उसका रिमोट है। तो मैं सबसे पहले दिखा दूं कि ये होता है ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से हम ऑन ऑफ करके भी आपको दिखा देंगे, अगर आप हाथों हाथ देखना चाहते हो तो देख लो। ऊपर कीजिए, यहाँ से हम इसको ऑफ कर सकते हैं, ये मशीन हो गया ऑफ, देख सकते हैं ध्यान से। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग पूरा देखिएगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा। अब मैं इसी बटन से दोबारा, इसी बटन से अब इसको करूंगा ऑन, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये बटन का क्या काम है, ऑन ऑफ। जिसपे इस तरह का एरर होगा ना, या जिसपे लाल कलर की एरर होगी, समझ जाइएगा वो ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। आपको सारे रिमोट में अलग तरीके से समझने की जरूरत नहीं है, एक ही रिमोट में अच्छी तरह समझ जाइए, आपको सारे रिमोट समझ में आ जाएंगे। दूसरा जो है बटन, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें किसी में लिखा रहता है और किसी में एरर इस टाइप का बना रहता है। तो इसमें है डाउन का, इसमें है ऊपर उठने का। तो इसमें इसका मतलब है कि हम टेम्परेचर को अगर डाउन करेंगे यानी घटाएंगे, तो इस वाले बटन को जब पुश करेंगे, ऐसे दबाएंगे, तो देखिए टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और जो देखिए ये जो तीर का निशान ऊपर है, अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे तो टेम्परेचर हमारा ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब मैं बताने वाला हूँ सबसे जो खास चीज है, मोड। लोगों को मोड है ना कंफ्यूजन रहती है, मैं कौन सा मोड पे एसी को चलाऊं, तो वो जो है आपका ये मोड है। ये देखिए ये मोड है। आप इसमें अगर बारिश का मौसम होता हो, बाहर बारिश हो रही हो, तो इसको ड्राई मोड पे चलाएं। अब ड्राई मोड पे चलाने का फायदा क्या होता है कि फैन की स्पीड जो होती है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है, तो पानी है ना, जहाँ हमारे देखिए यहाँ लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है, सिस्टम रखा हुआ है, अगर हम इसको ड्राई मोड पे नहीं करेंगे तो पानी गिरना सहज चालू हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसको ड्राई मोड पे चलाइए कि आपके एसी से अंदर की तरफ पानी ना गिरे, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, लेकिन ये समझिए, आपको हमेशा हर मैकेनिक से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया रिमोट कैसे चलाया जाता है। तो ये मोड का हो गया, तो ये अभी चल रहा है कूल मोड पे। देखिए अधिकतर एसी में किसी में लिखा रहेगा और किसी में एरर रहेगा, इसमें एरर शायद उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका एरर आपको भेज दूंगा, ठीक है, या हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा जो है, एक है इसमें स्विंग, इसमें दो तरह की स्विंग है, एक अंदर जो छोटी छोटी आपको वो पंखड़ी दिख रही होगी, पंखड़ी दिख रही होगी छोटी छोटी सी, इसमें भी ऑटो है, ठीक है। और जो आप ये देख रहे हैं ये भी ऑटो है, तो जब इसको आप दबाएंगे ये वाली, तो ये अंदर की चलेगी, ठीक है, और इसको जब दबाएंगे तो ये बड़ी वाली जो स्विंग है आपका ये वाला चलेगा, ठीक है। ये कॉमन चीज है यूज करने वाला एसी में। दूसरी चीज है आपको, जैसे ये टर्बो हो गया, जैसे मैडम जी ने पूछे जैसे कि टर्बो हो गया, टर्बो का मतलब क्या होता है, अब मैं इसको विस्तार से बता रहा हूँ। टर्बो का मतलब ये होता है, मान लो हम लोग तीन आदमी कमरे में हैं, एनी टाइम रहते हैं, फैमिली में तीन आदमी हम हैं, और एकदम से घर में हमारे तीन आदमी और गेस्ट आ गए और एसी हमारा नॉर्मल मोड पे चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, टर्बो को दबा देंगे और ये टर्बो क्या करेगा कि आधा घंटा तक नो स्टॉप
यानी कंप्रेसर को बंद नहीं होने देगा और आपको जो कूलिंग का मजा वो कंटिन्यू आधा घंटा ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो बाहर से इंसान आता है उसके बॉडी का टेम्परेचर भी हाई होता है, नॉर्मल हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर 38 होता ही है, तो क्या होता है हम ज्यादा इंसान हो जाते हैं तो वहाँ पे गर्मी भी ज्यादा पैदा होने लगता है, इसलिए टर्बो मोड का यूज करते हैं हम लोग। तो समझ गए होंगे आप लोग टर्बो मोड किस लिए यूज किया जाता है। अब इसमें एक चीज और बता रहा हूँ आपको कि ये होता है एक स्लीप मोड। अब ये देखिए स्लीप मोड ये किस लिए होता है इसका एक मतलब बता देता हूँ। अब गर्मी हो या सर्दी हो, ये दोनों ही मौसम में क्या करता है, जो हमारा कुदरती है ये हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, सुबह का जो टाइम होता है वो ऑटोमेटिक डाउन होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, जो सुबह का टेम्परेचर होता है वो लो होता है। तो जो हम इसको अभी 24 पे हम चला रखे हैं, ठीक है, हमने मान के चलो कि मुझे सोना है 5 घंटा और मैं इसको 24 पे चला के सो रखे हैं। अगर किसी को हिंदी नहीं आती है कर दो, किसी को अगर हिंदी नहीं आती है, अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो मान लो मैंने इसको चलाया हूँ 24 पे और ये क्या करेगा, जब हम स्लीप मोड को दबा देंगे तो हर 1 घंटे के बाद हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिक इसमें बढ़ जाएगा। तो सुबह होते तक क्या करेगा, हमारा जो टेम्परेचर है इसमें एसी का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक, हम मैं 24 पे चलाया तो 5 घंटा सोना है तो ऑटोमेटिक 31 पे आ जाएगा, यानी 31 पे आ जाएगा। तो हमारा कंप्रेसर वहां से बंद हो जाएगा, रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, ना आपको चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आपको सर्दी लगेगा, नहीं बुखार लगेगा, नहीं छींक आएगी, इसलिए इसको यूज किया जाता है। और कुछ जो रिमोट होते हैं, कुछ जो एसी होते हैं, उसमें एक और फीचर होते हैं जो इसमें है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जिस पर डिस्प्ले लिखा हुआ है, जिस पर डिस्प्ले लिखा हुआ है इसका आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ जो 24 लिखा आ रहा है, तो हम ये डिस्प्ले का बटन जो दबाते हैं, अगर मान चलो हम रात में सोते हैं हमारी आंखों में चुभता है, तो हम इसको एक कंपनी ने फैसिलिटी दे रखी है कि हम इसको रात में बंद करके सो सकते हैं, यानी एसी बंद नहीं हुआ है, वो जो डिस्प्ले दिख रहा था वो बंद हुआ है, ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। ये डिस्प्ले का बटन है, अब जो मैं बताया हूं आपको कि ये देखिए एसी बंद नहीं हुआ है, एसी क्या हुआ है कि मैंने इसको, ये दोबारा से दिखाता हूँ आपको, ये आपको डिस्प्ले लिखा आएगा ये बटन जो है ना, तो आप इसको जैसे एक बार यहाँ से क्लिक करेंगे ये डिस्प्ले आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है रात में हम सोते हैं हमारी आंखों में चुभ रहा है, या बच्चे हमारे घर में उनकी आंखों में चुभ रहा है, इसलिए कंपनी फैसिलिटी दे रखी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई एसी, ठीक है। अब आपको मैं सोचता हूँ कि जो मैं बताया हूँ नॉर्मल ये बटन आप यूज करेंगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो एक बार और मेरा वीडियो देख लिया कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को मैं एक चीज़ और कह देता हूँ, भाई बहनों बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।